इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू के साथ अहम खबरों पर भी एक नज़र। किसान एहतजाज बजाय धीमा होने के और तेज़ होता जा रहा है। भारत की अवाम भी अब मोदी हुकूमत की नौटंकी को समझने लगी है। तकरीबन 45 दिन हुए एहतजाज जारी है। आखिर क्यों मोदी हुकूमत किसानों की बात नहीं मान रही? आखिर ऐसा क्या मुआहदा अडानी अंबानी से मोदी हुकूमत ने किया है जो ये बिल वापस लेने को तैयार नहीं, जबकि इंतहाई सर्दी की वजह से 25 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। मोदी हुकूमत की ऐसी क्या मजबूरी है जो किसान बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है? धीरे धीरे मुल्क के अवाम को समझ में जरूर आ रहा है। किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए लाखों की तादाद में ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में एहतजाजी जुलूस निकाला। किसान का हित बलवीर सिंह सेरेसा ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत इसी तरह जिद पर अड़ी रही तो लाखों की तादाद में किसान लाल किले के परेड में दाखिल होंगे। यकीनन ये किसी मखसूस समाज या बिरादरी का एहतजाज नहीं है, बल्कि देश के अन्नदाताओं का एहतजाज है। किसानों की जानिब से सवाल भी जायज पूछे जा रहे हैं। आखिर इतना बड़ा फैसला हुकूमत ने किससे पूछ कर लिया था? किसानों को पूछे बगैर या किसानों को भरोसे में लिए बगैर आखिर किसानों के मौत के परवाने पर मंजूरी क्यों दी गई? ऐसा किसान बार बार कहते दिखाई दे रहे हैं। कड़ाके की सर्दी और कुछ दिन जोरदार बारिश भी रही, पर किसान किसी हाल में हटने को तैयार नहीं। इनका कहना यह है कि किसानों को बेचने का मुकम्मल प्लान मोदी शाह ने बनाया। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि अडानी अंबानी के हाथों किसानों को इन्होंने बेच भी दिया है और इसका बड़ा रुपया मोदी और शाह ने वसूला है, तभी तो बिल को अब तक पीछे नहीं ले पा रहे। किसानों को पूछे बगैर ही मोदी हुकूमत ने अपने मुफाद के लिए किसानों का सौदा सरमाएदारों के हाथों कर चुके, लिहाजा अडानी अंबानी दबाव बनाए हुए। वैसे भी आजकल जब से मोदी हुकूमत आई है किसी भी बिल की मुखालफत की जाए बिल को जबरन मंजूर किया ही जाता है, क्योंकि विपक्ष कमजोर है। मोदी हुकूमत कहती है जो किसान है इन्हें विपक्ष वरगला रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या कमजोर विपक्ष जिसकी आवाज महज 50 लोगों की है ये वरगला सकते हैं? कहने का मतलब अब मुख्तलिफ तरकीबों को इस्तेमाल करना भी मोदी शाह ने शुरू किया हुआ है। अब अंधभक्तों की टोली को इकट्ठा कर हैशटैग चलाया जा रहा है कि हैशटैग फार्मर्स विद मोदी। तमाम भाजपा संघी हिंदुत्ववादी तंजीमों को इकट्ठा कर किसान अब बिल की हिमायत में मुतालबा पेश करने का ट्वीट खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। साथ में फार्मर्स विद मोदी हैशटैग करना नहीं भूले। आगे लिखा है कि मुल्क भर से बड़ी तादाद में किसान और किसान तंजीमों ने कृषि भवन पहुंचकर मुतालबा पेश किया है कि किसी हाल में किसान बिल को पीछे न लिया जाए और किसान बिल देश हित में है। किसान एहतजाज के बारे में कहा गया कि यह पूरी तरह से सियासत से मुतासिर है। 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मुख्तलिफ तंजीमों के नाम लेकर कृषि मंत्री ट्वीट करते रहते हैं। इन्हें किसानों का कितना बड़ा समर्थन हासिल है, जिसमें खासकर नाम उन्होंने ट्वीट के जरिए बताए, जिसमें किसान संघर्ष समिति, इंडियन किसान यूनियन, किसान मजदूर संगठन, बागपत, अखिल भारतीय बंग परिषद, राष्ट्रीय युवा वाहिनी और भी 12 इदारे हैं जिनके नाम ट्वीट करके बिल किसान के हक में फायदेमंद है। लिहाजा तमाम किसान प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब तमाम तंजीम इदारों की तहकीक और तफ्तीश में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। हिंद किसान मजदूर संघ के नाम की तंजीम के बारे में खुद कृषि मंत्री ट्वीट करते हैं, इसकी तस्वीर भी हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट से शाया की जाती है, पर तहकीक में जो सामने आता है वो कुछ और ही है, अजीब है। जिस तंजीम इदारे का नाम कृषि मंत्री ने लेकर ट्वीट किया है और तस्वीरें शाया की है, दरअसल इसको अभी बनाया गया है 20 दिसंबर 2020 में, मतलब खास हिमायत के लिए इसका कयाम अमल में आया है। कई तंजीमें तो सीधे भाजपा की ही कोख से पैदा हुई है, लिहाजा मोदी हुकूमत को फर्जी तंजीमों को क्यों बनाना पड़ रहा है? खैर अब इतना तो जरूर मालूम हुआ कि किसान बिल को तकरीबन 6 रियासत के किसानों ने पिछले 45 दिन से बैठकर एहतजाज जारी रखा है। किसान का ही टिकैत ने तो ये भी कहा है कि एहतजाज 2023 तक भी कर सकते हैं। यौम जमहूरियत के मौके पर लाखों ट्रैक्टरों के साथ परेड में दाखिल होने का ऐलान पहले से ही किया हुआ, लेकिन इस किसान एहतजाज को और भी ताकतवर किया जा सकता था। पूरे देश में इस आंदोलन की मशाल जलाई जा सकती थी, पर दक्षिण भारत के किसानों की खामोशी भी समझ से बाहर है। और उससे भी ताज्जुब की बात यह है कि कर्नाटक या महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल, यहाँ से एहतजाज में किसानों ने शिरकत क्यों नहीं की? और खासकर कांग्रेस पार्टी के लाखों किसान हैं
जो इस एहतजाज से दूर रहे यकीनन किसान बिल से तमाम किसानों को नुकसान होने वाला है। कर्नाटक को तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, क्या कांग्रेस, जनता दल या दिगर सेक्युलर पार्टियां इसमें अपनी शिरकत क्यों दर्ज नहीं करा रहे? यकीनन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार, झारखंड के किसानों का तो नुकसान बड़े पैमाने पर होना है, पर क्या कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल, केरल के किसानों की खामोशी क्या बयान करती है? खासकर कांग्रेस पार्टी जब बिल के विरोध में है तो दक्षिण में एहतजाज क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि पिछले तकरीबन 50 दिनों से एहतजाज जारी है और मोदी शाह की हुकूमत परेशान है, जिसके लिए फर्जी तंजीमों के जरिए हिमायत की नौटंकी की जा रही है। आवाम को चौकन्ना रहना होगा ताकि मोदी हुकूमत कोई नई तरकीब के जरिए फिर से आवाम के जहन को मुंतशिर ना कर दे। अहम खबरों पर एक नजर। स्कूल कॉलेजेस को शुरू किया गया, कोरोना के मद्देनजर पिछले 9 महीने से तमाम स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया था। खैर अब एक बार फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा जारी है। पहले दौर में रियासत में तकरीबन 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें पहले सेहत महकमा के मुलाजमीन को दी जाएगी। सिर्फ 2 दिन में ही रियासत को 14 लाख डोज मिलेंगे, जिसके लिए 25 लाख सिरिंज भी आ चुके हैं। महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पेट्रोल, डीजल, सब्जी, अनाज खरीदना गोया गरीबों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, लिहाजा एक और बिजली का झटका 1 अप्रैल से लगने वाला है। 1 अप्रैल से बिजली के दामों में फिर इजाफा किया जाने वाला है। बिजली बोर्ड का कहना है कि ये भी इत्तला हासिल हुई है कि ज्यादा ही इजाफा किया जाने वाला है। पिछली बार 33 पैसे यूनिट में इजाफा किया गया था, जो इस साल और भी ज्यादा बढ़ाए जाने की खबर हासिल हुई है। बिजली महकमा का कहना है कि काफी घाटा हुआ है, लिहाजा इसे आवाम से ही वसूल किया जाएगा। नवंबर में 33 पैसे यूनिट ज्यादा पैसे आवाम की जानिब से वसूल किए गए थे। कारोबार, नौकरियां सब कुछ ठप होने के बावजूद लोगों ने बिजली का बिल भरा था, 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ। एक बार फिर करंट का झटका देने के लिए रियासत हुकूमत तैयार है, और वैसे भी तमाम जातियों को सहने की आदत हमें पड़ी हुई है। गैस, बिजली, पानी, सब्जी, हर महंगाई को तस्लीम करने के आदि अवाम बन चुकी है। अब जब अवाम को धर्म, मजहब, सियासत, मंदिर, मस्जिद में उलझा कर रखा जाए तो महंगाई पर आवाज उठाने के लिए कहां से वक्त मिलेगा, ऐसी भी बात कही जा रही। सोशल मीडिया पर कुछ लोग जानबूझकर तौहीन आमोज पोस्ट वायरल करते, लिहाजा रियासत कर्नाटक पुलिस की जानिब से व्हाट्सएप, फेसबुक पर इस तरह के पोस्ट डालने वाले पर सख्त कार्रवाई करने का इशारा दिया है। किसी भी धर्म, मजहब या फिर बुजुर्ग हस्तियों की तस्वीरों पर तौहीन आमोज पोस्ट करने पर कंप्लेंट दर्ज करने का ऐलान। आप तमाम नंबर नोट करें, 9449878805। इस नंबर पर पोस्ट के साथ कंप्लेंट करें। आवाम को चाहिए कि किसी तौहीन आमोज पोस्ट को वायरल करके दूसरे आगे भेजने से बेहतर है कंप्लेंट करें। ये भी सच है कि कुछ सियासी पार्टियों के आईटी सेल होते हैं, जिसमें ज्यादातर फर्जी होते हैं। इनका काम जानबूझकर किसी धर्म मजहब के खिलाफ गलत पोस्ट के जरिए माहौल को तशद्दुद में तब्दील करना होता है। लिहाजा जल्द इस नंबर पर तौहीन आमोज पोस्ट के साथ कंप्लेंट दर्ज करने की कोशिश करें, ताकि नफरत के सौदागरों पर नकेल कसी जाए। कुछ ना कुछ नए कानून बनाए जाते हैं, सख्तियां की जाती है, जुर्माना वसूल किया जाता है, फिर कुछ दिनों बाद मामला फिर वही बेडंगी रफ्तार की तरह होता है, फिर चाहे हेलमेट का हो या मास्क का हो। अब नया कानून का फरमान जारी हुआ है। फिलहाल खड़े बाजार में नोटिस के जरिए इत्तला दी गई है कि घर या दुकानों पर CCTV बिठाया जाए, तकरीबन 3 दिन का स्टोरेज भी जरूरी है। इसकी वजह पूछने पर बताया गया कि शहर और अतराब में बढ़ती चोरी की वारदातों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। पर आवाम में यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो शहर के अहम चौराहे हैं जहां पर CCTV पहले से ही बिठाया गया, क्या वो मुकम्मल रिपेयर हुए हैं या नहीं। खैर जो भी हो, एक और कानून जो जेब को हल्का करने के लिए जरूर आया है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।